दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपना HDFC बैंक से आप अपना मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं या फिर डिटेल वाइज अपना स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो में, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ अपना HDFC बैंक का आप ओपन कर लेना है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन HDFC बैंक का है, ये ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से दोस्तों देखिए यहाँ पे पासवर्ड पहले मांग रहा है। दोस्तों, इसके पहले जब दोस्तों आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ यूज़र आईडी मिलेगा और पासवर्ड। तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के जब लॉगिन करेंगे तब जाके दोस्तों आप यहाँ इस ऐप में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप चलिए हम अपना पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें इस तरह से इस इंटरफेस आया, इस तरह से हम लॉगिन हो चुके हैं अपने एप्लीकेशन पर। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आप अपने ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट निकालेंगे। आप जैसे मान लीजिए, जैसे आप मेरा दो खाता हो इसमें है, तो इस वाला जैसे तीर का निशान बना हुआ, इस वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद से आपका खाता देखिए दिखा दिया जाएगा कौन 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 से खाते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस वाले खाते का हम देखना चाहते हैं, स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो इस वाले बटन पर जो तीर वाला बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आप यहां से मिनी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट वाले बटन पे आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ट्रांजैक्शन जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। देखिए यहां शो मोर पे करेंगे तो जितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारे आप ट्रांजैक्शन यहाँ से देख सकते हैं। ये मिनी स्टेटमेंट है दोस्तों। अगर आप डिटेल वाइज चाहते हैं पूरा साल का या फिर और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जो भी आप चाहते हैं, तो वहाँ पे देखिए आप यहाँ रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे देखिए PDF में चाहते हैं तो PDF में, या ईमेल पे अपना चाहते हैं तो ईमेल पे, और अपना टाइम ड्यूरेशन जो चाहते हैं। जैसे मान लीजिए करेंट मंथ का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 1 जून से 28 जून ये करेंट मंथ है, ये अभी आज तक का डेट का, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ का देख सकते हैं, लास्ट 3 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का, करेंट फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं, या फिर अगर आपको उस किसी डेट रेंज में आपको देखना है तो यहाँ सेलेक्ट डेट रेंज है, इस वाले बटन पर आप क्लिक करके आप अपना जो भी डेट वाइज देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम 1 जनवरी से मान लीजिए हम देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये 1 जनवरी से मान लीजिए हम देखना चाहते हैं तो 1 जनवरी यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। फिर कितने तारीख तक देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आज का डेट 28 जून है तो आज के डेट तक हम देखना चाहते हैं तो 28 जून यहाँ पे देखिए क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप PDF फॉर्म में नहीं चाहते हैं, एक्सेल फॉर्म में चाहते हैं या और किसी फॉर्म में चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम PDF पे चलना मान लीजिए हम PDF में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो PDF वाले बटन पे आप क्लिक कर लेना। उसके बाद कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, आप अगर आप एक और जैसे आप पूरा मान लीजिए आपको फाइनेंशियल पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखना है या लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना है तो देखिए जैसे ही जब यहाँ पर आ जाएंगे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से देखिए आपको इस वाले ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर आपको जब आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए करेंट फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं तो करेंट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आप यहां से पूरा डिटेल वाइज स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम अपना ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद PDF वाले फॉर्म पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कन्फर्म वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको PDF के फॉर्म में आपका डाउनलोड हो जाएगा सारा स्टेटमेंट। देखिए हमारे भी दिखा रहा है कि जैसे हमारे खाते से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं तो इस वजह से आपको इस नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपना जैसे मान लीजिए हम आपको करेंट मंथ का ही आपको हम दिखा देते हैं। करेंट मंथ का कैसे, जैसे करेंट मंथ है सेलेक्ट करेंगे। करेंट मंथ में सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। देखिए फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ ऊपर से सेलेक्ट करने के बाद से देखिए अकाउंट स्टेटमेंट है, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से जो जिस भी एप्लीकेशन से आप खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आपका PDF आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे खाते से हुए हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन हैं जो हमारे करेंट मंथ में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, सारे ट्रांजेक्शन हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा कंप्लीट तरीका, मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू मोबाइल बैंकिंग के ऐप से आप कैसे अपना मिनी स्टेटमेंट या डिटेल वाइज स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे, उसका पूरा कम्प्लीट तरीका मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारा इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।